नमस्कार, श्री नारद मीडिया .com के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जिले के एक और लाल, जिनका नाम राजन है, आप हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम इनसे बहुत सारे सवाल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका परिचय। आप श्री राजन हैं, आप 2003 में दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप अम्रपाली ग्रुप, आकाश ग्रुप में कई जगहों पर आपने काम किया, लेकिन आपका इन सभी चीजों में मन नहीं रमा और भारतीय संस्कृति की प्रतीक, भारतीय सनातन संस्कृति की प्रतीक गाय को आपने अपने जीवन का विषय बनाया और इस विषय को लेकर आप अपने गांव आ गए। आप मूल रूप से आंध्र के भवराजपुर रहने वाले हैं, तो आइए हम राजन जी से उनका परिचय जानें। राजन जी, आप अपना परिचय बताइए। देखिए, मैं पहले तो इंजीनियरिंग की नौकरी करता था, बड़े बड़े जो TLF है, अम्रपाली ग्रुप है, इस सभी में मैंने काम किया। आकाश इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजर के हैसियत से काम किया। पश्चिमी सभ्यता का इतना दबाव बढ़ा, पैसे तो हम कमा रहे थे। हमने जब छोड़ा, पिछले साल नौकरी छोड़ा, तो 60,000 रूपया एक्सपेक्ट हमारा सैलरी था, प्लस और तमाम सुविधाएं थी। लेकिन अंतरात्मा जो है, जो असली प्राकृति की आनंद है, वो नहीं मिल पा रहा था। फिर हमने समझने का प्रयास, राजीव दीक्षित की प्रेरणा से, उनके साथ हमने काम भी किया, तब समझ में आया कि हम किस तरफ भाग रहे हैं, या सिर्फ रुपया ही सुखी है या कि और भी कुछ आनंद है। तो उसके बाद गाय को समझा, क्योंकि पूरे अर्थशास्त्र में गाय के बिना जीवन अधूरा है, ऐसे पूर्वजों ने बोला और सारे शास्त्रों में वर्णन किया। तो हम ये सुनते थे, अरे पैसा के बिना ऐसे कैसे है कि गाय के बिना जीवन अधूरा है, पैसे। लेकिन मैं अपना एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, मेरा अनुभव है कि नौकरी आप कीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर आपके जीवन में गाय नहीं है तो आप निमूरा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, शास्त्र कर रहा है। तब मैंने गाय की तरफ रुझान डाला। आप ये बताइए, जीवन का वो कौन सा ऐसा मोड़ है जब गाय की तरफ आपका रुझान हुआ? देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, मतलब 10th के बाद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है, गाय के तरफ मेरी चेतना उतनी जागृत नहीं थी। आज मुझे मतलब किसी भी काम करने में या कुछ डर लगता ही नहीं है। तो ये गाय का देन है कि मेरी चेतना, मैंने दिल्ली में आकाश इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने एक साल गाय रखा और उसके साथ कंस्ट्रक्शन के साथ, तब मुझे समझ में आया कि गाय क्या चीज है। अच्छा राजन जी, एक बात बताइए, क्या गाय हमारे समाज में आज भी क्या प्रासंगिक है? अगर गाय नहीं है तो समझिए कि कुछ नहीं है। मैं आपसे एक बता रहा हूं, अगर आजादी का आप इतिहास देखिएगा, भारत का आजादी का, तो गाय से स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे थे, सैनिक थे, लड़ाई क्यों हुई? तो चर्बी को लेकर। गाय का तो चर्बी नहीं है, वो दयानंद महर्षि से प्रेरित थे, तो वहीं से शंखनाद फूका गया था आजादी के लेकर। कहीं भी आप इतिहास को देखिएगा तो उसमें मुख्य प्राथमिक रूप से गाय है, और इसीलिए हमने गाय को लेकर, समाज को लेकर, कि गाय के बिना समाज अधूरा, अगर गाय नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं काम कर पाएगा। मैं आप एक बता रहा हूं अर्थशास्त्र का, तजो राष्ट्र निहिता न वीरो जयते वीरस्या, मतलब जिस राष्ट्र में गाय नंदी नहीं होंगे वहां महापुरुष पैदा नहीं। आज आप देख लीजिए, आज बच्चों में किस तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? तमाम आपके मन में, हम इसको धर्म से जोड़ देंगे कि गाय यार दूध देती है, दूध का विषय नहीं है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है। आज मेडिकल काउंसलिंग का रिपोर्ट बताता है कि 25% बच्चे नपुंसक हो गए और 30% लड़की, जो नई लड़की है, वो मां नहीं बन सकती। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल काउंसलिंग का 2014 और 15 का रिपोर्ट है। ये स्थिति है, क्यों स्थिति है कि गाय हमने छोड़ दिया। सांड जिसको हमने मारते हैं, असल में गाय
एक और यहाँ शब्द जोड़ूंगा, गाय का मतलब देसी गाय, जर्सी नहीं। जर्सी गाय का मतलब हो जाता है सुअर, उसका आप एक्सप्रेशन कीजिएगा तो उसका जितना चीज है वो रहना खाना पीना मूतना सब उसका जर्सी का ही गुणधर्म है, उसमें गाय का कहीं संबंध नहीं है। और जब से हमने जर्सी गाय को घुसाया, ज्यादा दूध के लिए घुसाया, तो बीमारी आई, नपुंसकता आई। सबसे बड़ी मानव की जो चीज है हमारी चेतना मर चुकी है, ये गाय को लेकर हुआ है। राजन जी, ये जो गाय है वो ग्रामीण जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और लेकिन गांव आज छूटता जा रहा है, गांव से पलायन है, इसी क्रम में लोग गाय को छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या आप ये मान सकते हैं कि जो गाय है वो ग्रामीण जीवन को फिर एक बार संगठित कर सकती है, पलायन को रोक सकती है, और गाय लोगों को एक बार फिर अपने जमीन पर खड़ा होने का मौका दे सकती है? जी हाँ, अगर हम समझे तब। असल में हम, हमारी भावना क्या है, हम गाय को खाली दूध के इकोनॉमी से देखते हैं। आप भाव लगा के देखिए गाय के साथ, हो जाएगा। गाय के मूत्र से जीभ में अगर आपको कैंसर हो जाए तो अंग्रेजी में एलोपैथी में उसकी चिकित्सा नहीं है, कीमोथेरेपी देते हैं, भगवान के भरोसे जी जाए तो जी जाए, नहीं तो मर जाएंगे कीमोथेरेपी से। लेकिन आपको लाखों ऐसे मिल जाएंगे कि मैं गौमूत्र से ये बीमारी था ठीक हो गया, लेकिन अब हमने स्ट्रेस पैदा कर दिया कि गौमूत्र अजीब सा मन में क्रिएटिव होने लगता है आज के युवाओं में, पूर्वजों में नहीं, पुराने लोगों में नहीं, वो गौमूत्र लेते थे। तो ये गाय से गौमूत्र से दवा बना सकते हैं, गोबर से आप गैस सिलेंडर भर के और गाड़ी चला सकते हैं, ईंधन का यूज कर सकते हैं। हमारे पास गोबर गैस वाली गाड़ी रखी पड़ी है सेंट्रो का, किसी सेठी ने मुझे गिफ्ट किया था उसने कि आप ले जाइए गाड़ी, आप गाय पे काम करते हैं तो आप उस पे काम कीजिए और गांव को लोगों को ये प्रेरणा दीजिए कि इससे गाय से बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर बिना दूध देने वाली गाय जो है वो मिनिमम आपको 500 रुपया दे सकती है गौमूत्र और गोबर, बिना दूध वाली, दूध वाली की मैं बात नहीं करता, दूध तो बोनस, दूध का लंबा समय नहीं होता है। राजन जी, आप गव्य चिकित्सा की पद्धति जो है या गव्य चिकित्सा पर आपने महारत हासिल किया है, तो ये गव्य चिकित्सा क्या है, इससे कैसे रोगों का निदान हो सकता है और कैसे व्यक्ति सुखी रह सकता है, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, गव्य सिद्ध जो है, ये गव्य सिद्ध टाइटल उन्हीं लोगों को मिलता है जो गाय के साथ काम करते हैं, और चेन्नई में इसका स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, पूरा बहुत बड़ा है, वहां पे सारा गाय पे रिसर्च का काम होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप सारा कुछ गाय का अर्थव्यवस्था समझिए, सीखिए पूरा, और उसके बाद गौमूत्र से, गोबर रस से, गाय से, छाछ से, मट्ठा से, उसका कम्युनिकेशन है कौन औषधि के साथ क्या जाएगा, और उससे इलाज, उसका इलाज करने का। तो 3 साल का हमने वहां चेन्नई से पढ़ाई किया, और पढ़ने के बाद फिर हमने पिछले साल गाँव में आके अब गांव को लोगों को अर्थव्यवस्था में जोड़ने का, समझाने का काम किया। और मैं आपको ये बता दूं कि पहली बार ये सिवान जिला में हुआ कि देसी गाय का महत्व, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है कि हाँ देसी गाय का मतलब कुछ होता है। अच्छा राजन जी, अगर देसी गाय की बात की जाए तो देसी गाय को खरीदने का, पालने का, या उनकी बछिया को रखने का, या मतलब उनके साथ लोगों के जुड़ने का कुछ ऐसा आप मुहिम चला रहे हैं, या जिनको इस तरह की गाय की जरूरत है वो आप उपलब्ध करवा सकते हैं? जी, हम अभी काम कर रहे हैं इस पे, काम ये कर रहे हैं कि अभी सबसे ज्यादा जो समस्या है किसान का है दूध को लेकर। हमारे पास तो दूध कम भी देगी तो चलेगा, लेकिन सब हमारे तरह तो सब लोग आए नहीं कि गौमूत्र को और गोबर को जोड़ ले। तो हमने एक अभी ढूंढ रहे हैं, हालांकि खर्च ज्यादा है, नहीं तो हम पंजाब से मंगा लिए होते, सांड तैयार कर रहे हैं कि सांड जो होगा सहीवाल नस्ल का, अगर गाय के संसर्ग एक बार करता है उससे अगर बच्चिया आती है तो कम से कम एक समय वो दूध 6 लीटर 7 लीटर देगी। तो इससे क्या होगा, देसी गौवंश बच जाएगा और किसानों को जो
है दूध का सबसे बड़ा, वो भी उनको लाभप्रद मिल जाएगा। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस पे दिव्य जागृति मिशन से भी मेरी बात हुई थी आशुतोष महाराज के उनके शिष्य से, तो उन्होंने बोला था उन्होंने सहीवाल नस्ल पे बहुत जबरदस्त काम किया। मतलब दिव्य जागृति मिशन का कहा जाए तो सहीवाल प्रजाति को बचाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आगे आप मतलब क्या करना चाहते हैं, आगे आपकी भविष्य में क्या योजना है इस गाय को या गभी चिकित्सा को लेकर? देखिए आगे ये है कि हर देखिए अभी किसान के पास जो देख रहे हैं अर्थव्यवस्था कि जो मार्केट बाजार है, अभी हमने बाजार को पहले समझा, सुधा वाले 20 रुपया लीटर दूध लेते हैं, अब बताइए आप दूध खरीदने जाते हैं 40 रुपये के नीचे दूध नहीं है। सुधा वाले किसान से कच्चा माल लेता है 20 रुपये, सरकार कहती है कि हम तो किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं और सुधा वाले को प्रोटेक्ट कर रही है। तो आप एक बात बताइए, जाइए स्टेशन पे 20 रुपया का एक बोतल पानी मिलेगा, पानी बनाने में या निकालने में कितना संसाधन खर्च होता है, कुछ नहीं होता है। हम ये कहूंगा कि एक लीटर पानी बनाने में मुश्किल से 50 पैसा खर्च होता है, लेकिन बिकता 20 रुपये। अब देखिए किसान का दूध जो है 20 रुपया लीटर लेके, ये एक बहुत बड़ा शोषण का शिकार, इसको हमने व्यवस्था खड़ा किया। किसानों से हमने 1.5 गुना दाम पे 35 रुपया लीटर दूध का खरीदारी करके हमने बाजार अभी खड़ा कर रहे हैं। लोग अब जानना प्रयास जान गए कि देसी गाय का भी दूध होता है। देसी गाय का किसी का दूध खिला दीजिए, वो जर्सी फिर नहीं खाए, उसका दूध का फ्लेवर स्वाद सब कुछ अलग हो जाए। जब ये गर्भ चिकित्सा के तहत गाय से इस चिकित्सा पद्धति में कौन कौन से रोगों का इलाज किया जा सकता है? देखिए आज मैं इलाज की बात कर रहे हैं तो इलाज तो गर्भ जैसे सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ जो बीमारी है सबसे ज्यादा बीमारी है कॉन्स्टिपेशन गैस। तो मैं तमाम दर्शकों से बता दूंगा श्री नारद मीडिया के माध्यम से, जिनको भी गैस की बहुत ज्यादा तकलीफ है तो सबसे पहले वो क्या करे, सूर्य निकलने से पहले देसी गाय का मट्ठा पी ले। सूरज अगर निकलने के बाद अगर पिएंगे तो उसका औषधीय गुण धर्म खत्म हो जाता है, वो औषध में फिर काम नहीं करेगा। तो अगर आपको देखिए मट्ठा अगर आपने पी लिया सुबह सूर्य निकलने से पहले तो उसमें बीमारी देखिए एक चीज कीजिएगा, किसी तरह का बावसीर, अगर आप एलोपैथ के दुनिया में जाइएगा तो हजार बोलेगा, खूनी बोलेगा, बादी बोलेगा, तो ये है तो मल है, वो एक ही सूत्र में बोलते हैं चरक संहिता कि किसी तरह का बावसीर हो, रोज सवेरे अगर सूर्य निकलने से अगर आप मट्ठा पी लेते हैं तो गैस के साथ साथ बावसीर, किसी तरह का बावसीर आप पीजिए, किसी तरह का बावसीर हो ठीक हो जाएगा। और ये लंबा समय नहीं, पहला दिन पीजिए अगले दिन आपको रिजल्ट, आपको दवा उतना तेजी से नहीं काम करेगा जितना ये काम करेगा, ये आपके तमाम दर्शक के माध्यम से सुनेंगे जानेंगे। तो ये मैं बता देता हूँ पहला ही दिन रिजल्ट है इसका। मतलब अगर अपनी चिकित्सा को लेके अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप कहाँ और कब मिलेंगे? जी मैं तो अपने गांव पे उपलब्ध रहता हूँ और शाम को रहता हूँ, सुबह तो मेरा सिवान है, दूधी का काम है, तो शाम को और फोन से भी मैं फोन से बताते रहता हूँ, क्योंकि पूरे भारत में राजीव दीक्षित हम लोग टोटल गव्य सीधर 1200 ही लोग बन के निकले हैं, 1200 हर साल अभी निकाला जा रहा है, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि सब लड़के पढ़ने में भाग रहे हैं, कौन करेगा, कौन आएगा विज्ञान की भाई खेत में घूमो, वो सब लोग सोचते हैं एसी में बैठ के काम करे ये करे, तो वैसा तैयारी चल रहा है। और कोई भी संपर्क कर सकता है, मेरा नंबर तो है ही है पूरा, और उसके बाद क्या बोलते हैं शाम को हो जाएगा, संपर्क कर लीजिए मैं बता दूंगा, सजेस्ट कर। धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और गाय को लेकर आपने इतनी बड़ी जानकारी दी, नारद मीडिया आपका आभार व्यक्त।